मेरे तरफ से आप सभी लोगों को जो है हैप्पी दिवाली। थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप सभी लोगों को जो है विश कर दिया था, और वीडियो जो है थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था और काफ़ी सारे काम रह गया था, तो मैं कुछ दिनों से तबीयत भी ख़राब था तो वीडियो भी नहीं अपलोड कर रहा था, और मेरा काम भी बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है जिसकी वजह से मैं अब टाइम निकाल के वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन कल से मैं आप लोग को बिल्कुल जो जैसे रोज़ की वीडियो बना रहा था वैसे बना के दूंगा। देखिए, हैप्पी दिवाली जो है सभी एक्टर ने एक्ट्रेस ने जो है बोल दिया है कि विश कर दिया है, लेकिन कुछ एक्टर्स है जो कि भाषण झाड़ते हैं कि भाई हैप्पी दिवाली, पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई उन लोगों को बता दो कि न्यू ईयर के दिन कैसे पटाखा फोड़ते हैं, ईद के दिन कैसे बकरी काटते हैं, कैसे इलेक्शन जीतने के टाइम पे होते हैं, उनके फिल्म रिलीज होता है तो कैसे पटाखा फोड़ते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें उन सभी लोगों को बता दो, ठीक है। और बात करूँगा कि फटाका, देखिए हमारा राम आज जो है अयोध्या लौटे थे रावण का जो है वध करके, तो भाई हमारे श्री राम जी का जो है आज रिटर्न किए थे जो है अयोध्या, तो फिर समझ सकते हो कि भाई आज हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के लिए, हम सारे इंडियंस भारतीय के लिए कितने खुशी की बात है, खुशी के दिन है। तो बिल्कुल आप सभी लोग, मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से मनाए होंगे, और किस किस ने कितने पटाखा फोड़ा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किस किस ने जो है क्या आप सभी लोगों ने क्या आराम से पटाखा फोड़े या फिर नहीं, या फिर कई आप लोग ने मतलब बताओ कि भाई कितने कितने पैसे से पटाखा खरीद के लागे मतलब फोड़े हो, क्योंकि मुझे जो है कमेंट सेक्शन पे बताना। और आशा करता हूँ जो है कि आप सभी लोग का जो है तबीयत अच्छा रहे और आप सभी लोग का जो है वही सब हमेशा पूरा होता रहे। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।